वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे तो आज 25 दिसंबर संडे का दिन है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की बर्थडे भी है तो सब लोगों को ठीक है बहुत बहुत मुबारक हो और उसके अलावा जो क्रिश्चियन फैमिली की ठीक है वो भी हज़रतम की विलादत का दिन मना रहे हैं उनके लिए भी एक ईद का दिन है तो उन्हें भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन तो मैं कुछ काम कर रहा था मुझसे फ्री बैठा नहीं जा रहा था तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ क्योंकि जितनी जल्दी काम ख़त्म होंगे तो कोई और काम बंदा करेगा ये मौसम की सूर्त हाल आपके सामने तो जो एक्टिविटी कर रहा था मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं तो किसी ने सच ही कहा है कि सर्दी और बेजती जो इंसल्ट है वो जितनी फील करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको लगेगी तो मैं सुबह उठा और नाश्ता किया तो सोचा कोई ना कोई काम फिनिश कर लूं तो कुछ मैंने सीडलिंग्स एंट्रेनियम की मेरी गोल्ड की टूनिया पेंसी अभी काफ़ी मेरे पास पड़ी हुई हैं तो अगर कोई आके यहाँ से खुद पिकअप कर सकते हैं उनको तो मोस्ट वेलकम बाकी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मिट्टी को हाथ तो नहीं लगाऊंगा कस्सी के थ्रू ठीक है कस्सी की मदद से इनमें डालूंगा और प्रेस करके रख दूंगा क्योंकि तो मिट्टी बहुत ठंडी है लेकिन काफ़ी काम हो जाएगा जगह भी बहुत कम है एक साइड उस साइड भी फुल हुई पड़ी है जो सीडलिंग्स लगा के अब थोड़ी सी ये जगह खाली की थी मैंने तो इसमें मैं लगाऊंगा और बाकी मेन चीज़ यह शॉपर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा सर्दी से आप पौधों को बचाने के लिए शॉपर डाल सकते हैं लेकिन उन पौधों पे जो बिल्कुल ग्राउंड कवर है ऊपर की तरफ आ रहे हैं लाइक मेरी गोल्ड डाइंथस एंट्रेनियम जिया हो गई ठीक है तो उन पे अगर आप डालेंगे तो उनका जो साइज़ है वो ख़राब हो जाएगा उनकी शेप रेडी हो जाएगी तो उन पर आप मत कीजिए अगर उन पर डालना भी है तो आप एक जैसे ग्रीन हाउस बनता है किसी भी चीज़ की स्पोर्ट लगा के उसके ऊपर शापर डाल सकते हैं शापर डालने से ये ज़रा सर्दी से महफूज रहेंगे इनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर नहीं होगी और ये ज़रा हीट इन्हें ज़्यादा मिलेगी तो उससे ये ग्रो अच्छा कर जाएंगे और फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट कर देंगे बाकी पानी की कंडीशन है वो आपने बिल्कुल नॉर्मल रख है अगर पानी आपका ड्राई नहीं हो रहा तो आप उनकी ये गोडी या ठीक है वो कर दें अब आपके सामने ये मैंने कुछ गोडी की है अभी ये देखें इनका पानी भी ड्राई नहीं हो रहा अब इनकी गोडी करेंगे और हर दसवें दिन पंद्रवें दिन इनको आप डी ए पी खाद या नाइट्रोज ठीक है ये दे सकते हैं यूरिया वगैरह यूज नहीं कर सकते अच्छी ग्रोथ के लिए तो हवा चल रही है मौसम बहुत ही ठंडा हुआ खड़ा यहाँ भी मरी बना हुआ है आज पंजाब में लेकिन कोई मसला नहीं ये सब अल्लाह ताला की ठीक है एक नेमत है कुदरत है एक हमत है हमारे लिए तो इसमें कोई ना कोई हमारे लिए एक फ़ायदा ही है ठीक है तो हर मौसम जो है वो इंजॉय करना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए ताकि तो किसी भी हालात में आप सरवाइव कर सकें तो बाकी सारे लोग मुझे पता है कि वो रज़ाइयों में घुसे होंगे ठीक है और मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे कि मोस्टली ऐसे ही होता है इस मौसम में और वैसे भी जो विंटर वेकेशंस हैं वो भी हो चुकी हैं तमाम स्कूल्स में तो सारे लोग इंजॉय करें खुश रहें आबाद रहें और गार्डनिंग को इंजॉय करें तो हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं बार बार वीडियोस में कहता हूँ वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में ठीक है कोई भी टॉपिक किसी भी प्लांट के हवाले से इन जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं सपोर्ट दिखा रहे हैं तो मज़द अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कीजिए चैनल पर तो अभी तो एक स्टार्ट है इनशाला बहुत आगे तक जाना है बहुत कुछ है शेयर करने के लिए तो जितने ज्यादा लोग अंगेज होंगे उतना ही मजा आएगा तो दो में याद रखिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा कमेंट भी कीजिएगा अल्लाह हाफिज